आज सभी भारतीयों के सर पर एक जुनून और रंग एक साथ बोल रहा है। जी हाँ, भगवा रंग, जिसकी महक और कशिश आज हर हिंदू, हर भारतीय महसूस कर रहा है। अयोध्या में राम नाम का जयकारा हर तरफ गुंजयमान है। ऐसे में उत्सव में पूर्वांचल के सितारे भला कैसे पीछे रह सकते थे। आपको बता दें कि भोजपुरी के स्टार्स ऐसा कोई मौका या त्योहार नहीं होता जिसमें गाने रिलीज ना करें। और आज भी जब रामलला दिवस पर पूरे भोजपुरी सिनेमा पर अलग ही रंग चढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोजपुरी के तीन बड़े कलाकारों ने प्रभु राम को समर्पित गीत रिलीज किया। लेकिन किसका गीत नंबर वन की सीढ़ी चढ़ा, आइए बताते हैं आपको। नंबर वन, सबसे पहले बात करते हैं पावर स्टार और भोजपुरी की शान पवन सिंह की, जिनके हाल ही रिलीज राम भजन सोशल मीडिया पर खूब मचा रहा है बवाल। फैंस इसे भारी तादाद में लाइक, शेयर और इस पर कमेंट कर रहे हैं। और खासकर आज के दिन पूर्वांचल के लोग इसे बार बार सुन रहे हैं। और जहां तक बात की जाए इस पर व्यूज की, तो इसे अभी तक 10 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं और कमेंट्स की तो मानो एक झड़ी सी लग गई है। नंबर टू, अब बात करते हैं दूसरे स्टार की, जिसने इस पावन अवसर का लाभ उठाया। जी हाँ, पवन की ही तरह एक्टर रितेश पांडे ने भी रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नया राम भजन भगवा रंग का वीडियो रिलीज किया, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। रितेश पांडे के सुर और मनोज वरुण के निर्देशन में बने इस गीत को अब तक 1.1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, 48,000 से ज्यादा लाइक्स भी पा चुका है ये गीत। यानी फिल्मों के अलावा रितेश के भक्ति गीत भी सुपर से ऊपर साबित हो रहे हैं। नंबर थ्री, राम नाम जपने में भोजपुरी की बोल बाला अक्षरा सिंह भी पीछे नहीं। भूमि पूजन के दो दिन पहले ही अक्षरा ने राम भजन स्वागत है श्री राम का रिलीज किया, जिसे बम्पर ओपनिंग मिल रही है। बता दें कि अक्षरा के गीत को 2,70,000 व्यूज अब तक वीडियो पर मिल चुके हैं। यानी देखा जाए तो पूरी तरह इस लिहाज में वो आगे चल रही है। लेकिन गौर कीजिए, क्योंकि बता दें कि दोनों ही स्टार से इतने व्यूज जहां अपने वीडियो सॉन्ग पर बटोरे हैं, वहीं पवन सिंह ने फिलहाल अपने राम भजन का सिर्फ ऑडियो ही रिलीज किया। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब भी इसका वीडियो सॉन्ग रिलीज होगा तो वो कैसे सभी गीतों को ऊपर छाड़ता हुआ आगे निकलेगा, क्योंकि पावर स्टार का ऐसा कोई गीत नहीं बना जिसे एक दिन में मिलियन व्यूज ना मिले हो। फिलहाल इस पर आपका क्या है सोचना, दीजिएगा अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।